नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीए 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पत्रकारिता और लॉ के छात्र फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कर रहे थे वसूली, हुए गिरफ्तार। कानपुर के बिठूर रोड पर बुधवार रात स्कॉर्पियो सवार 3 फर्जी पुलिसकर्मी वाहनों से वसूली कर रहे शातिर पुलिस को देखकर हो गए फरार। शहर भर की पुलिस सक्रिय हुई, कुछ ही देर में उनको स्वरूप नगर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों में एक पत्रकारिता का छात्र है तो दूसरा LLB की पढ़ाई कर रहा है। DCP पश्चिम समेत अन्य पुलिस अफसर देर रात तक तीनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाते रहे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10:30 बजे स्कॉर्पियो सवार 3 शख्स ट्रक समेत अन्य वाहनों से वसूली कर रहे थे। गाड़ी में बैठे 2 शख्स पुलिस की वर्दी में थे और टोपी भी लगाए हुए थे। इस दौरान स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना मिली। कल्याणपुर थाने की पुलिस जब वहां पहुंची तो उनको देखकर शातिरों ने स्कॉर्पियो वहां से दौड़ा दी। पुलिस अफसरों ने तुरंत वायरलेस पर सूचना देकर सक्रिय हुए। स्वरूप नगर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार पांडे ने स्कॉर्पियो को रोका और तीनों युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों में आजाद नगर नवाबगंज निवासी आयुष अग्निहोत्री, गगन तिवारी और गोविंद नगर दबोली निवासी लोकेंद्र यादव शामिल है। पुलिस की जांच में पता चला कि आयुष LLB का छात्र है, गगन कानपुर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है, लोकेंद्र इंटरमीडिएट पास है। DCP पश्चिम संजीव त्यागी, SCP कल्याणपुर दिनेश कुमार शुक्ला समेत अन्य अधिकारी आरोपियों से पूछताछ में जुटे रहे। अफसर पता कर रहे हैं कि गिरोह में यही 3 है या और भी लोग शामिल हैं।